अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद कदीर रफानी ऑटो लाहौर से। ये गाड़ी मेरे पास आई है, सिटी है 2005 मॉडल ऑटोमेटिक। इसके अंदर फॉल्ट है, ये पानी कम कर रही है। अभी मैंने 2 गिलास पानी डाला है इसके अंदर। बस ठीक है, अभी इसके अंदर 2 गिलास पानी डाला है। ये बबल बना रही गाड़ी ने। ये बबल बना रही है गाड़ी। पानी 2 गिलास अभी डाला है, ये बोतल खाली हो गई थी। इस शहर के अंदर तो गाड़ी ठीक नॉर्मल रहती है, जब ये लॉन्ग में निकलते हैं ना, ये उस वक्त ये गाड़ी गर्म होना शुरू हो जाती है और पानी कम करती है। ये गाड़ी बंद करके न्यूट्रल करके मरीज के जाते हैं। तो इंशाल्लाह इसका हेड खोलेंगे, आपको दिखाएंगे इसका हेड गैस्केट हम चेंज करेंगे। तो आपको मैं दिखाऊंगा कि हेड फेस कैसे चेक करना है, फेस कैसे करवाना है, आपने कैसा फेस हो तो गैस्केट चलेगा जेन्युइन। इसके अंदर खोलते हैं अभी गाड़ी, आपको दिखाएंगे। इसका हेड गैस्केट चेंज करना है, ये पानी कम कर रही है। अभी ये सारी चीज़ें अटेंड करते हैं। ये देखें इसका टाइमिंग है, ये जो ये वाला दोनों का कलर चेंज है, ये वाले और ये वाले, ये दोनों के कलर चेंज है। ये वाले इसके अंदर ये लिखे ना यूपी अप टॉप है, अप ये ऊपर है। ये देखो आप ऊपर देख रहे हैं, ये टॉप का निशान है। तो लाइन है ना ये वाली और एक ये वाली लाइन आपको नज़र आ रही, छोटा कट का निशान। ये हेड के साथ ये मैच करते हैं ये वाला। तो ये अगर आपने इसकी चेन सही बिठा दी ना, ये वाली चेन सही बिठा दी, इसका टाइमिंग गलत नहीं होगा। इन दोनों के दरमियान में ये कट का निशान है, ये देखें उसके ऊपर पेंट भी लगा हुआ है। ये टॉप है, टाइमिंग है इसका। ये बस आपने गौर तलब चीज़ है, ये आपने गौर करना, ये टाइमिंग है। ये इधर उधर एक भी धंधा इधर उधर हो गया ना, टाइमिंग आपका आउट हो जाएगा, टाइमिंग ख़राब हो जाएगा। नीचे भी दिखाता हूँ आपको टाइमिंग में। ये देखिए ये कलर है, कलर पिन इसके अंदर वो निशान लगा हुआ है, पेंट का निशान। और ये तीर का निशान नीचे, ये देखें ये तीर का निशान है, ये ऊपर ये पेंट का निशान, ये देखें ये दोनों बिल्कुल इसके सेंटर में, ये देख रहे हैं। ये इसका टाइमिंग है, ये मैंने आपको अभी हेड खोल दिया, ये सारा सिस्टम। देखिए सड़े हुए का निशान आपको नजर आ रहा है, जगह ये है, इसी जगह से ना मिक्स हो रहा है ये वाले, ये जगह जो ये वाले, ये देखें ये बिल्कुल साफ है, ये भी बिल्कुल साफ है, और ये जला हुआ देख रहे हैं, सड़ा हुआ ये इधर से सड़ा हुआ है। ये भी ठीक है,
भी ठीक है, ये जला हुआ है। चेक कर रहे हैं, बिल्कुल क्लियर है, ये बिल्कुल ठीक है, एक्यूरेट है, बार बिल्कुल सही है, इजी आराम से देखना, बाहर नहीं निकलना, बिल्कुल ठीक है। इसका हल्का सा ना स्लीप हल्का सा ऊपर है, मामूली सा, 19-20 का फर्क है, 19-20 का, बाकी एक्यूरेट है फेस सारा, ठीक है। डिस्क लगाया जी, डिस्क हमने हेड रखी है, डिस्क डाल दिया इसका, गोटी हेड पकड़ लिया यार, ये देखें हेड हमने रख दिया है, टाइमिंग फिट कर दिया, टाइमिंग चेन मैंने लगा दी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ज़रा वीडियो बनानी मुश्किल है, चेन में आपको जो ये ये वाले जो कट है ना दो, ये वाले जो लंबा निशान है, ये लंबा निशान, ये वाला लंबा निशान आ रहा है ना, ये सारी होंडा का ना टक्का निशान है, इसका हेड के साथ होता है, ये वाला हेड के साथ होता है इसका सेंटर, ये वाली जगह सेंटर, बाकी चेन आपने लगा दी तो सही, वो गलत फिटिंग नहीं होगी, हेड के बोल्ट भी टाइट कर दिए, गैसकेट भी चेंज कर दिया, नीचे वाला टाइमिंग मैं आपको दिखा दूँ, ज़रा मुश्किल सा है, ये देखो कलर, आप देख रहे हैं ये वाला, ये कलर ही चेंज है, ये वाला कलर ही हो रहा है पूरी का, इसके अंदर एक निशान लगा हुआ है, दिखाना ज़रा मुश्किल है, वो पीला सा हल्का सा नज़र आ रहा है, पीला सा, और ये तीर का निशान नज़र आ रहा है सीधा वाला, ये वाला, ये टाइमिंग है, ये तीर का निशान सीधा ऊपर, इसके साथ सेटिंग आ रही है, ये टाइमिंग है, मुश्किल है, ये जरा मलक साहब लगे हुए हैं फिटिंग कर रहे हैं, इंशाल्लाह अभी फिटिंग करते हैं सारी, ये इसकी एग्जॉस्ट की गेज है 25 mm और इनटेक की है 15 mm 15 mm, जब भी हेड गैस पे डालें आप इसके टैबलेट लाजमी ज़रूर करें। ये आपको नज़र नहीं आ रही, मैं आपको जो गेज कर रहा हूँ ये देखें आप,
45 mm एग्जॉस्ट और 15 mm इनटेक। एग्जॉस्ट वाल, ये वाला वाल बैठ के, एग्जॉस्ट वाल बैठ के ऊपर उठेगा ये वाला, और ये वाला वाल इनटेक इशारा करेगा। तो फिर आपने टैपर्ड करने हैं, दो दो टैपर्ड किया करें, तो छः छः सात सात टैपर्ड गलत होते हैं, जो कहते हैं ये कर लो वो कर लो, वो तरीका कर सारे गलत है। ऐसे टैपर्ड करने से ना आपकी गाड़ी बेहतरीन सही रहेगी और बाद में भी टैपर्ड अच्छी होंगे आपको। हाथ लगता है कैमरे ही जाना टैपर्डों की वजह से, जो इनके मैनुअल टैपर्ड, इसकी वजह से हेड खराब, वाल ख़राब नहीं होते इसकी गाड़ी के, इंजन की लाइफ ज़्यादा है इसकी, इसलिए देखें भाईजान गाड़ी स्टार्ट कर दी है, बिल्कुल एक्यूरेट है, कमी लगा दी है पानी का, प्रेशर भी बिल्कुल ठीक है, अभी फैन ही चले। गाड़ी स्टार्ट करने के बाद फौरी सबसे पहले आपने ये चीज़ चेक करनी, वो देखना है इंजन ला गया ऊपर, इंजन ला ऊपर आ गया है, गाड़ी का साउंड भी एक्यूरेट है, किसी किस्म की मिसिंग प्रॉब्लम वाइब्रेट कुछ भी नहीं है। कल हम सुबह इसकी ट्राई करके तो फाइनल करेंगे इसको, गाड़ी को कल सुबह इंशाल्लाह गाड़ी को करेंगे फाइनल और इंशाल्लाह ट्राई करेंगे हम इसकी। अभी अंधेरा हो गया हुआ है काफ़ी, इंशाल्लाह कल।